हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जो भी मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें जुड़े रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और जो आज मेरी पहली वीडियो अगर देख रहे हैं तो दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको जो नए हैं उनको मैं बता दूं, दोस्तों मेरी आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इस समय जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वो है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट हम लोग ने दोस्तों 3 क्लासेस इस पर कर चुके, मतलब जो फिजिकल ज्योग्राफी है हम लोग का टॉप, जो फिजिकल ज्योग्राफी में दोस्तों हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ टॉपिक है। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी की दोस्तों हम लोग 3 क्लासेस कर चुके हैं, आज चौथी क्लास है। ठीक है, तो चौथी क्लास में दोस्तों ये जो क्लास आज है वो होगी दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, पीछे दोस्तों मैंने दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को हाल ही में ख़त्म किया है। तो जो भी दोस्तों मेरा मित्र दोस्तों अगर वीडियो को वहां जाके देखना चाहता है, यानी इंडियन ज्योग्राफी देखना कर चाहता है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी या कहीं कर रखी है, फिर भी एक बार आप मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके इंडियन ज्योग्राफी को खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेकर चल रहा हूँ, मतलब कि दोस्तों मैं प्री कम मेंस दोनों पीसीएस तक का आप कोई भी पेपर देंगे आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। पीसीएस तक के आप कोई भी पेपर आराम से सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो प्री का पेपर हो चाहे वो मेंस का। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कहाँ पर मेंस लिखने को आता है, कहाँ पर प्री आपके क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हर चीज़ें कराते चलूँगा, आप उसकी बिल्कुल बेफिक्र होकर आप मेरी क्लास करते रहिए। ठीक, तो दोस्तों मैं आपको दोस्तों सिक्योर करता हूँ उसी तरीके, मतलब इस ये बताकर कि आप एकदम आराम से होकर मेरे साथ आप बने रहें, बस बने रहेंगे दोस्तों तो ये रहेगा आपका कोई भी काम, मतलब जो टॉपिक छूटेगा नहीं, मैं बहुत डिटेल से करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो आज जो टॉपिक है दोस्तों, हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे, मैं अगर बात करूँ टॉपिक की, तो दोस्तों हमारा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हिंदी की बात करें अगर, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। ठीक है दोस्तों, जो भी नए हैं मैं उनको एक चीज बता दूं दोस्तों, उनको बस मेरे साथ करना क्या है कि एक पेन ले लेना है, मतलब ब्लैक ब्लू पेन ले लेने हैं और एक कॉपी ले लेनी है, बढ़िया। और बस जो मैं यहाँ बनाता हूँ या मैं बोलता हूँ फ्लो में, तो आप उसको लिखते चलें, जो मैं यहाँ बनाऊँ वो तो पक्का ही लिख ले दोस्तों और उसको बना ले। ठीक है, उससे आपका हैंड खुद का स्वयं का नोट्स तैयार हो जाएगा, और आप एक अच्छा दोस्तों जैसे बुक्स लेट होती हैं तो लोग लिखते हैं, इसी तरीके से आपका दोस्तों एक नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आप अपने आप को ऑथर भी समझ लें कि मैंने एक बुक लिख दी, एक सब्जेक्ट की मैंने अपने खुद से बुक्स लिख दी, वो आप फील कर सकते हैं उसको। ठीक है, पढ़ के और फिर क्या होगा, रिवीजन का टाइम में खुद से जो लिखे हुए नोट्स होते हैं ना वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, उनको हम कम टाइम में ज़्यादा इनपुट उससे कर सकते हैं। इसी वजह दोस्तों आपका खुद का स्वयं का नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो पेपर के टाइम बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ये तो आपको बस मेरे साथ ये करना है कि आपको मेरे साथ धीरे धीरे नोट्स भी बनाते चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको मेरे साथ ही करते चलना है। ठीक, तो बात हो गई। कल जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को पढ़ा रहा था तो मैंने इसको बताया था कि हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बताया था मैंने, मैंने बताया था एक तो मैंने इसमें बताया था आपको केमिकल डिवीज़न, मैं अभी हिंदी भी बताते चलता हूँ दोस्तों, केमिकल डिवीज़न, केमिकल डिवीज़न यानी दोस्तों, यानी दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण है ना, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, फिर दूसरा मैंने दोस्तों आपको बताया था मैकेनिकल डिवीजन, कल डिवीजन यानी दोस्तों भौतिक वर्गीकरण। ये किसका कर रहे हैं दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक, पृथ्वी भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, ये मैंने बताया था, मैंने इसको दोस्तों आपको 3 पार्ट में बांट के बताया था। मैंने आपको ये पहला जो पिछली क्लास हुई उसमें मैंने पढ़ाया है, पहला जो दोस्तों अर्थ को जो बांटा जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों क्रस्ट, क्रस्ट को दोस्तों हिंदी में दोस्तों बोलते हैं भू चटपटी, भू चटपटी नहीं, भू परपटी। ठीक है,
और इसको बोलते हैं दोस्तों मेंटल, मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं दोस्तों, और ये फिर इसको हिंदी बोलते हैं दोस्तों आवरण। और मेंटल को आप हिंदी में दोस्तों देवनागरी डिग्री में भी मेंटल ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। आवरण नहीं याद आ रहा था दोस्तों, उसको मेंटल ही लिखे हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों फिर मैंने आपको बताया कोर, कोर को भी दोस्तों आप हिंदी में कोर लिख सकते हैं, या इसको नाभिक लिख सकते हैं, या केंद्र लिख सकते हैं, कुछ भी आपको जो लगे। आप इन शब्दों का दोस्तों, क्रस्ट का दोस्तों हिंदी में, अगर आपको मान लो हिंदी नहीं याद आ रही किसी भूपर्पटी, तो आप इसको क्रस्ट को क्रस्ट ही लिखते हैं हिंदी में, देवनागरी ऐसे लिखते हैं, ऐसे क्रस्ट हो गई, बस बात बात वही होती। बुकों में भी सीधे ऐसे ही लिखा होता है हिंदी में दोस्तों, ठीक है। और इसको मैंने आपको, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, और इसको मैंने बताया था आपको, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसको हम लोगों ने चार पार्ट बांटा था, लिथोस्फीयर, फिर दोस्तों अस्थेनोस्फीयर, अस्थेनोस्फीयर, अभी मैं हिंदी बता रहा हूँ दोस्तों इसकी, फिर इसको दोस्तों मेजोस्फीयर बोलते हैं दोस्तों, मेजोस्फीयर, और इसको दोस्तों बैरिस्फीयर या बैरोस्फीयर, बैरिस्फीयर, ठीक है। अभी ये मैंने कल भी लिखा था। तो लिथोस्फीयर को दोस्तों स्थल मंडल बोलते हैं। देखो लिथो का मतलब, दोस्तों लिथ जो होता है, लिथ का मतलब ही दोस्तों स्थल होता है, ठीक है दोस्तों। तो लिथोस्फीयर दोस्तों यानी दुर्बल मंडल, सॉरी स्थल मंडल, अस्थेनोस्फीयर मतलब दोस्तों दुर्बल मंडल, मिजो मतलब मध्य मंडल, बैरोस्फीयर मतलब बैरो मंडल, ठीक है, इसको बैरो ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार चीजों डिवीजन करने आज हम लोगों ने दोस्तों लास्ट क्लास में इसको किया था, आज हम लोग दोस्तों इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं दोस्तों, और अब आप लोग दोस्तों जो भी हैं जुड़े हुए हैं, अब आराम से बैठ के दोस्तों सुनना है मेरी बात को, और जो भी मैं नोट्स कराता हूँ उसको करते चलना है, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया, कल का क्लास आप जरूर देखेंगे, आपको कल बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया था कि दोस्तों अर्थ इंटरनल, जो अर्थ का इंटीरियर होता है, यानी जो अर्थ का जो आंतरिक संरचना होता है, उसको पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे पास कुछ स्रोत हैं, आर्टिफिशियल स्रोत हैं, नेचुरल स्रोत हैं, है ना, यानी प्राकृतिक स्रोत हैं और अप्राकृतिक स्रोत हैं, ठीक है। इनके बारे में मैंने कल बताया है, तो आप पहली कल की क्लास के देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आज हमारा जो करना है, जो आज हमारा जो टॉपिक है उसका है नाम है पृथ्वी का भौतिक वर्गीकरण, ठीक है ना, भौतिक वर्गीकरण। ये किसमें, जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात हो रही है, बाहर की नहीं दोस्तों, अंदर के को हम भौतिक डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। यानी दोस्तों वो दोस्तों मैकेनिकल डिवीजन ऑफ अर्थ, ठीक है दोस्तों, हिंदी में लिख लीजिएगा, सॉरी इंग्लिश में मैकेनिकल डिवीजन ऑफ अर्थ, ठीक है। इसको दोस्तों कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, देखो जैसे कि मैंने कल बताया था, मान लो ये क्या है दोस्तों, अर्थ है, थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ी वो है आप इसको, बट इसको दोस्तों आप मानिए, ठीक है। और फिर अर्थ का दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था, इसको तीन पार्ट में बांट के पढ़ा था, ये इस वाले पार्ट को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रस्ट बोलते हैं, इस वाले पार्ट को दोस्तों क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को दोस्तों क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है। यानी ये क्रस्ट है, ये दोस्तों क्रस्ट है, ये दोस्तों मेंटल है, ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों कोर है, बात समझ में आ गई। तो इसको तीन पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, फिर मैंने और भी इसमें बहुत सारी चीज़ बताई थी, देखो अब हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ये जो अर्थ है इसका जो ये सेंटर है, और ये दोस्तों, ठीक है, इसका ये हम क्या करते हैं, इसको इस टुकड़े को दोस्तों काट कर दोस्तों मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप देखिएगा दोस्तों मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं थोड़ा और भी दोस्तों स्पेस चाहता हूँ, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, और थोड़ा इधर से बनाना शुरू करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने टुकड़ा काटा है, ये जो मैंने टुकड़ा काटा है, इसको मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ, इस टुकड़े को काट कर अर्थ का जैसे क्या होता है दोस्तों, मान लो पिज्ज़ा होता है, पिज्जे के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो पिज्ज़ा का एक टुकड़ा खाकर दोस्तों हम स्वाद उसका बता सकते हैं कि पूरे पिज्जे का जो स्वाद है वो किस तरीके से है ना। इसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, अर्थ का दोस्तों हम एक टुकड़े का अध्ययन करके दोस्तों क्या करेंगे,
हम बता सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश, ठीक है, ये ठीक। तो ये दोस्तों क्या है, मैंने इसको और बना देना है थोड़ा सा, ताकि आपको मैंने जो कल वाला जो चीज़ें बताई थी वो भी आपको याद रहें, आप भूले मत उसको, ठीक है। भूले मतलब दोस्तों क्या है कि मैंने कल बताया था कि दोस्तों जो जो दोस्तों क्रस्ट होता है, क्रस्ट में दोस्तों इंडियन ओशियन क्रस्ट भी आती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आती है। कल मैंने बताया था दोस्तों क्रस्ट के अंदर दोस्तों जो समुद्र के अंदर भी तो दोस्तों एक क्रस्ट होती है ना, वो भी आती है। तो जो क्रस्ट होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय दोस्तों भूपर्पटी, और दोस्तों ओशियनिक भूपर्पटी यानी दोस्तों ओशियनिक क्रस्ट मतलब दोस्तों महासागरीय क्रस्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने कल क्लास में बताई थी। ये दोस्तों क्या है, इसको मैंने क्रस्ट बताया, फिर इसको मैंने दोस्तों यहाँ पे ठीक है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा इसको मैं कम करता हूँ, ये तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से है, मैंने बना दिया इसको, ठीक है। अब मैं इसको मिटाल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, मैं इसको मिटाल के इस पे फोकस करता हूँ आपके, ठीक। इसको समझते चलिएगा, बस आराम से आप मेरे साथ बैठे रहिए, आप खाली अभी लिखने की कोशिश मत करिएगा, अभी जो मैं बना रहा हूँ उसको देखिएगा और उसको सीखिएगा, फिर बाद में मैं आपको टाइम दूंगा, आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, और इसको दोस्तों बोलते हैं मेंटल, ठीक है, और ये जो है इसको है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों कोर, ठीक है। इतनी कोई इस इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, है ना, ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और ये दोस्तों पूरा पार्ट है मेंटल बोलते हैं, और इसको पूरे पार्ट को दोस्तों कोर बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे इसकी दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक है, मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, ये दोस्तों जीरो से लेकर मैंने बताया था क्रस्ट जो होती है वो 65 किलोमीटर तक लगभग होती है, ठीक है। फिर मैंने इसको बताया था ये लगभग 2700 किलोमीटर तक लगभग होती है, 2900 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और ये दोस्तों कितना होता है, लगभग कितना, लगभग अगर हम बात करें तो 6400 किलोमीटर, अगर एग्जैक्ट की मैं बात करूं तो दोस्तों ये होता है 6371 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। लगभग अगर मैं बात करूं 6400 किलोमीटर, और अगर एग्जैक्ट बताऊं बुक में जो लिखा होता है वो 6371, बट आपको उतना दिक्कत नहीं, आपको अगर याद ना आया तो आपको 6400 किलोमीटर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये इनके बीच का इतना हमने बता दिया, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक क्रस्ट जो होती है वो 0 से लेकर 65 किलोमीटर, या जीरो मतलब हम दोस्तों जहाँ पे अर्थ पे खड़े हैं वहाँ से लेकर हम 65 किलोमीटर तक हम जब जाएंगे दोस्तों उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। और 65 किलोमीटर से जब हम अंदर 2900 किलोमीटर तक जाएंगे तो उस वाले एरिया को दोस्तों क्रस्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, मेंटल बोलते हैं। और दोस्तों 2900 लेकर 3400 किलोमीटर तक जब हम अंदर जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोर बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी होगी, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, अब इसको हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आपको, जो क्रस्ट होता है, जो दोस्तों क्रस्ट होता है उस क्रस्ट को भी दोस्तों दो पार्ट में बांटा जाता है, दो पार्ट में इसको बांटते हैं, जो ज्योग्राफर है उसको इन्होंने क्रस्ट को दोस्तों अगेन दोस्तों दो पार्ट में बांट दिया है, अगेन दोस्तों क्या कर दिया है, दो पार्ट में इसको बांट दिया है, ठीक है। इस वाले जो क्रस्ट को बोलते हैं उसको दोस्तों बोलते हैं आउटर क्रस्ट, इसको बोलते हैं दोस्तों आउटर क्रस्ट, सॉरी दोस्तों आउटर क्रस्ट, ठीक है दोस्तों, और इसको दोस्तों बोलते हैं इनर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, ठीक है दोस्तों। आउटर क्रस्ट यानी बाह्य क्रस्ट, बाह्य भूपर्पटी, और दोस्तों
आंतरिक भूपरवृत्त। इसी तरह दोस्तों क्या करते हैं, वो मेंटल को भी दो पार्ट में बांट देते हैं। मेंटल को भी दोस्तों वो क्या करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों आउटर मेंटल, आउटर मेंटल, ठीक है दोस्तों, और इसको इनर मेंटल, डबल एन होगा दोस्तों, उसको भी सही कर लीजिएगा, इनर मेंटल, ठीक है। इसी तरह दोस्तों उन्होंने क्या किया है दोस्तों, कोर को भी दोस्तों क्या करते हैं, वो दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों आउटर कोर, आउटर कोर, और इसको बोलते हैं दोस्तों इनर कोर, ठीक है। ये बात आपको समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस उन्होंने करा क्या है कि जो क्रस्ट है उसको, क्रस्ट को भी अगेन उन्होंने दो पार्ट बांट दिया, उसको बोल दिया एक को आउटर क्रस्ट, दूसरे को इनर क्रस्ट, और दूसरे और फिर मेंटल को भी उन्होंने दो पार्ट बांटा, आउटर मेंटल और दोस्तों इनर मेंटल, और दोस्तों कोर को भी उन्होंने दो पार्ट बांट दिया, आउटर कोर एवं इनर कोर। हिंदी में बात करेंगे तो दोस्तों आंतरिक बाह्य क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट बाह्य मेंटल, आंतरिक मेंटल बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम लोग जो लिथोस्फीयर और जो हम लोग एस्थेनोस्फीयर और जो दोस्तों मैग्नो मीजोस्फीयर और दोस्तों बेरिस्फीयर की बात कर रहे थे, अब इस पर हम लोग आते हैं। इतनी जगह आपको दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। जो लिथोस्फीयर होता है, मैं उसकी अगर आप बात करूँ दोस्तों आपसे, अगर वो लिथोस्फीयर जो होता है दोस्तों, वो जीरो से लेकर दोस्तों, ये दोस्तों जीरो है, और दोस्तों जो अर्थ है ना, जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ सतह है उसका दोस्तों क्या होता है, वो जीरो है, मतलब हम जहाँ, ठीक है, ऊपर अर्थ के सतह से लेकर दोस्तों ये लगभग दोस्तों क्या होता है, यहाँ तक, मतलब दोस्तों यहाँ तक दोस्तों, कहाँ तक दोस्तों, ये 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक दोस्तों ये होता है, कहाँ तक दोस्तों, जीरो से लेकर दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर तक दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ इसको बोलते हैं दोस्तों लिथोस्फीयर, लिथो स्फीयर स्थल मंडल, दिख रहा है आपको, मैं एक बार देख लूँ, चेक कर लूँ बस, हाँ लिथोस्फीयर थोड़ा सा, ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ तो आप उसको समझ सकते हैं, लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, अर्थ की सतह से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और अर्थ के जब हम अंदर तक जाएंगे 100 किलोमीटर तक, तो वहाँ लिथोस्फीयर हो जाता। अब यहाँ दोस्तों एक बात ये समझने वाली है कि लिथोस्फीयर में दोस्तों मैंने कुछ क्या किया है दोस्तों, देखो क्रस्ट को लिया है, पूरा क्रस्ट तो आ ही गया इसमें, मैंने मेंटल का भी दोस्तों देखो कुछ पार्ट लिया है, आउटर मेंटल का भी, मैंने पूरा मेंटल नहीं लिया, देखो आउटर मेंटल का भी मैंने कुछ पार्ट लिया। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि दोस्तों लिथोस्फीयर में क्या क्या, कभी एक बार क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि लिथोस्फीयर में हम किस चीज़ को, किस किस को शामिल करते हैं, तो आपको मैं लिखा दे रहा हूँ दोस्तों, लिथोस्फीयर, लिथो स्फीयर में दोस्तों हम लोग दो चीज़ को बांट शामिल करते हैं, क्या क्या शामिल रहता है इसमें दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्या क्या शामिल रहता है ये आपको मैं बता देता हूं। इसमें दोस्तों शामिल जो होता है वो होता है क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट प्लस दोस्तों अपसम अपर पार्ट ऑफ मेंटल, बात समझ में आई, मतलब मेंटल के ऊपरी भाग का कुछ भाग, यानी जो मेंटल है उसके अपर मेंटल का कुछ भाग, यानी जो मेंटल है उसका ऊपर का कुछ भाग, उसका कुछ भाग शामिल होता है, यानी सम अपर पार्ट ऑफ मेंटल, है ना, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, सॉरी दोस्तों ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, थोड़ा सा मैंने गलत, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, यानी अपर मेंटल का कुछ पार्ट, यानी जो आउटर मेंटल हमने लिखा है इसको अपर मेंटल ही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आउटर जो मेंटल है, ये मैं इसको लिखी दे, सम पार्ट ऑफ आउटर मेंटल, ठीक है दोस्तों, लो ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, और इसी को मैं फिर यहाँ पे करके ये और दोस्तों लिख दे रहा हूँ, और फिर इसी को अपर, ठीक है, दोनों चीज़ आप समझिएगा, अपर मेंटल। तो इसमें दोस्तों क्या पार्ट होता है क्रस्ट में दोस्तों, तो लिथोस्फीयर में दोस्तों पूरा क्रस्ट तो आता ही आता है, सम पार्ट ऑफ आउटर मेंटल या अपर मेंटल, यानी जो
मेंटल है उसके ऊपरी भाग का दोस्तों, उसके बाह्य पार्ट का कुछ भाग आता है, पूरा बाह्य भाग नहीं आता, कुछ भाग आता है, ठीक है। तो इसमें लिथोस्फेयर में ये दो चीज़ आती हैं। और मैंने आपको बताया दोस्तों क्रस्ट में क्या क्या शामिल होता है, मैं यहीं पे फिर से लिख दे रहा हूँ दोस्तों। क्रस्ट में दोस्तों कौन कौन सी क्रस्ट, क्रस्ट भी दोस्तों दो, क्रस्ट में दोस्तों ये मैंने प्लस लगाया तो मतलब क्या है, दोनों चीज़ आती है। और क्रस्ट में दोस्तों क्या क्या चीज़ें होती हैं मैंने बताया आपको, क्रस्ट में दोस्तों क्या होता है, एक तो दोस्तों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब महाद्वीपीय क्रस्ट दोस्तों, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी दोस्तों हिंदी में लिख दीजिएगा महाद्वीपीय क्रस्ट, और दोस्तों ओशियनिक क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट में ये दो चीज़ शामिल होती है, और लिथोस्फीयर में दोस्तों क्रस्ट और सम पार्ट ऑफ आउटर मेंटल यानी अपर मेंटल, ये चीज मेंटल की बात लिथोस्फीयर समझ में आ गया। लिथोस्फीयर दोस्तों क्या होता है, ठोस भाग होता है। लिथोस्फीयर जो होता है वो दोस्तों लिथो का मतलब ही दोस्तों चट्टान होता है, लिथो का मतलब ही दोस्तों चट्टान होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लिथो, जहाँ भी शब्द आपको लिखा मिले लिथो शब्द, जब जहाँ भी आपको लिखा मिले वो वहाँ आप समझ लीजिए कि वो चट्टान से है, चट्टान है या वो तो दोस्तों ठोस पदार्थ है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है लिथो शब्द जहाँ पे भी आपको मिले वहाँ पे दोस्तों ये स्थल मतलब दोस्तों क्या होगा, चट्टान की बात, स्थल भाग की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको लिथोस्फीयर के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो पार्ट है, मैं इसको डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरा दोस्तों 100 से लेकर दोस्तों ये यहाँ तक दोस्तों आउटर मेंटल तक दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, 100 से लेकर दोस्तों यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वो 700 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों 700 किलोमीटर तक। और ये जो होता है दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों अस्थेनोस्फीयर, क्या बोलते हैं दोस्तों अस्थेनोस्फीयर, यानी दोस्तों हिंदी में अगर हम बात करें तो दुर्बल मंडल, ठीक है। 100 किलोमीटर से और 700 किलोमीटर तक जब हम जाएंगे तो इसको बोलते हैं दोस्तों अस्थेनोस्फीयर। और ये दोस्तों आउटर मेंटल का जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो भाग है, और ये जो भाग होता है वो दोस्तों प्लास्टिक फॉर्म में होता है। मैं यहाँ मिटाल रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों जो ये फॉर्म ये जो होता है ये दोस्तों वास्तव में जो मैग्मा होता है ना दोस्तों वो इसी अस्थेनोस्फीयर में होता है। जो मैग्मा होता है जो दोस्तों लावा जैसे निकलता है ज्वालामुखी फाड़ के दोस्तों, जो अर्थ को फाड़ के जो मैग्मा निकलता है वो दोस्तों कहाँ होता है दोस्तों, वो अस्थेनोस्फीयर में होता है ना ये दोस्तों, और अस्थेनोस्फीयर में होता है। और ये दोस्तों क्या होता है, कैसे फॉर्म में होता है दोस्तों, प्लास्टिक के फॉर्म में होता है दोस्तों। जली हुई प्लास्टिक आपने देखी है, जली हुई प्लास्टिक कैसी होती है दोस्तों, इसीलिए इसको प्लास्टिक वाला भाग भी बोलते हैं। तो आप कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्लास्टिक फॉर्म दोस्तों अर्थ के इंटरनल में किस भाग में पाया जाता है, तो वो अस्थेनोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक के फॉर्म में होती जली हुई दोस्तों प्लास्टिक आपने देखी होगी, तो दोस्तों क्या होता है एकदम लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, जैसे तेल होता है क्या एकदम लिक्विड फॉर्म नहीं, चिपचिपी होगी, थोड़ी टाइट सी होगी, और थोड़ी दोस्तों क्या होगी वो दोस्तों वो इस तरह। इसीलिए दोस्तों ये क्या, इसको दोस्तों मैंने बता चुका हूँ कि दोस्तों क्रस्ट वाला जो भाग होता है वो सॉरी मेंटल वाला भाग जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है, मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। आप उसको पढ़ेंगे पीछे पहली वाली क्लास आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्लास्टिक के फॉर्म में होता है, और इसी को दोस्तों अस्थेनोस्फीयर दोस्तों आप समझ में आ जाएगा, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक को दोस्तों हम लोग अस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ अब ये इनर मेंटल दोस्तों, जो ये 700 से लेकर दोस्तों ये दोस्तों 2900 किलोमीटर तक दोस्तों क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, ये होता है मेजोस्फीयर दोस्तों। अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों जगह नहीं है, मैं फिर मिटालूंगा फिर इधर मुझे। तो आपको करना क्या, मैं जो बोल रहा हूँ जैसे मेजोस्फीयर मैं बोल रहा हूँ आप लिख लें, ठीक है। बाकी तो मैं बोलता जा रहा हूँ दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं इसको आप लिखिएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं मध्यमंडल, ठीक है। और ये दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों होता है 700 से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। और ये दोस्तों क्या होता है, देखो ये सॉलिड फॉर्म में होता है क्रस्ट, ये सेमी सॉलिड भाव में होता है थोड़ा, और ये भी दोस्तों सेमी सॉलिड से थोड़ा थोड़ा सॉलिड की ओर ये कन्वर्ट होता है। और फिर ये इनर मेंट जो यहाँ आउटर से लेकर पूरा दोस्तों यहाँ से लेकर पूरा ये, इसको दोस्तों बोला जाता है बैरिस्फीयर। और ये कितना होता है दोस्तों, लगभग 6400 किलोमीटर तक। और मैंने बताया दोस्तों इसको आप 6400 ना लिखें, तो आप अभी ये मैं इसको डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ,
ठीक है, ये दोस्तों 6400 किलोमीटर तक, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बैरी स्फीयर या बैरोस्फीयर, जो भी आप लिखना चाहें, स्फीयर, बैरी स्फीयर या बैरोस्फीयर। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, 2900 किलोमीटर से लगभग 3400 किलोमीटर तक, या दोस्तों 6371 किलोमीटर तक भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो ये चीज़ें मैं यहाँ पे, ये इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको तो समझ ही गए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये चीज़ें मैं इसको मिटा रहा हूँ, बात आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया था। आप अगर चाहें तो दूसरा भी मैप बना दें, ठीक है, ठीक है, ये तो लिखा रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रस्ट जो होता है, लिथोस्फेयर जो जितना पार्ट है वो दोस्तों सॉलिड फॉर्म में होता है, मैंने बता दिया। ये दोस्तों क्या होता है, जो एस्थेनोस्फेयर वाला जो पार्ट होता है, एस्थेनोस्फेयर वाला जो पार्ट होता है, मैं जहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अलग नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, आप बस खाली रेड कलर से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये दोस्तों क्या होता है, ये सेमी लिक्विड में होता है। सेमी लिक्विड मतलब दोस्तों अर्ध ठोस, है ना, सेमी सॉलिड, सॉरी दोस्तों सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉरी दोस्तों सेमी सॉलिड होता है, यानी अर्ध ठोस होता है, ठीक है, मैंने बता दिया कैसा, प्लास्टिक की, ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है, ये थोड़ा सॉलिड की ओर कन्वर्ट हो जाता है, पूरी तरह ये सॉलिड नहीं होता है बट सॉलिड की ओर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये चीज जानना है। और ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, इनर में जो आउटर मेंटल, सॉरी आउटर जो कोर होता है, वो दोस्तों क्या होता है, लिक्विड होता है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा टफ लग रहा अगर होगा तो मैं आपको एक चीज़ की ये गारंटी देता हूँ दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे आप पढ़ के देख लीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, पूरा यूट्यूब छान मारिएगा, आपको कहीं मिलेगा नहीं। लोग क्या करते हैं, एक ही क्लास में 30-35 मिनट की क्लास में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा के चले जाते हैं, और वो दोस्तों क्या होता है, आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं होता है। मैं यहाँ पे 2-3 क्लास लूँगा दोस्तों, मगर दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से अगर कभी भी दोस्तों कोई क्वेश्चन आता है या कोई आपसे पूछता है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको बता पाएंगे क्या कैसे होता है, क्यों कैसे होता है। मैं सब चीज़ें अभी मैं जो लिख रहा हूँ ना, इनको भी मैं अभी बताऊँगा आपको कि ये सॉलिड कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये दोस्तों क्या होता है, फिर ये सॉलिड हो जाता है, जो इनर जो मेंटल है, जो इनर वाला जो कोर है दोस्तों, वो सॉलिड हो जाता है, और आउटर जो कोर है दोस्तों वो लिक्विड में होता है, और दोस्तों जो इनर दोस्तों जो मेंटल होता है वो दोस्तों थोड़ा सॉलिड की ओर कन्वर्ट होता है, पूरी तरीके सॉलिड नहीं होता, सेमी सॉलिड से थोड़ा आगे बढ़ जाता है, और ये सेमी सॉलिड होता है, और ये दोस्तों सॉलिड होता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों क्या होती, इनकी स्थिति होती कैसे होती, तो मैं आपको अब यही समझाना है। आपने ये वाला मैप बना लिया होगा, ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ कि दोस्तों ये कैसे, ये तो दोस्तों ये तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अर्थ का ऊपरी सतह होता है, और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, देखो मैंने बताया था कि दोस्तों जब सोर्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बताया था दोस्तों, अर्थ को पढ़ने के लिए दोस्तों, या अर्थ के आंतरिक भाग को पढ़ने के लिए दोस्तों, सोर्स दो तरीके होते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स और नेचुरल सोर्स। जिनमें मैंने बताया दोस्तों, आर्टिफिशियल सोर्स में मैंने बताया दोस्तों, दबाव है, तापमान है, टेम्परेचर इसको बोलते हैं, और दबाव का मतलब प्रेशर है, और दोस्तों डेंसिटी है। तीन चीज़ें हम लोग दोस्तों आर्टिफिशियल पढ़ते हैं, और दोस्तों नेचुरल सोर्स में हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं भूकंप एवं ज्वालामुखी, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो दोस्तों जो आर्टिफिशियल सोर्स है उनके आधार पर दोस्तों क्या किया है, जो भूगोल शास्त्र है, जो भूगोल वेत्ता है, उन्होंने दोस्तों क्या किया, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को कुछ पढ़ने की कोशिश की, ठीक है, मगर ज़्यादा प्रमाणिक जो तथ्य हैं वो दोस्तों कौन दे पाया है, तो वो दोस्तों क्या कर दिया, भूकंप ने। भूकंप में दोस्तों जो PSL वेव जो चलती हैं उनकी वजह दोस्तों हम लोग थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में ज़्यादा सटीक जानकारी के पास जा पाएँ। बट दोस्तों मैं आपको ये जो इन्होंने सॉलिड है, लिक्विड है, इनको कैसे बताया, तो मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, और जो डेंसिटी है, उसके आधार पर दोस्तों क्या किया, उन्होंने इस भौतिक अवस्था को बताया कि कहाँ पर सॉलिड क्यों हुआ है, कहाँ पर सेमी सॉलिड हुआ तो क्यों हुआ है, और क्यों कहाँ पर दोस्तों सॉलिड है और क्यों, ये इसका सबका रीजन दोस्तों उन्होंने इन तीन जो आर्टिफिशियल है उनके आधार पर निकालने की कोशिश की। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सुनिएगा मेरी बात को, लिखना नहीं है, मैं यहाँ तक आपको लिखना था, आप यहाँ तक आपको कर लेना था, ठीक है, चाहे तो पहले आप इसको लिख ले, बना ले, फिर मैं आपको बताता हूँ। और आप दोस्तों सुने, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप बनाएंगे तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप जो बनाने जा रहे हैं तो आप बस ये बनाइएगा दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, आप डायग्राम पहले बना लीजिएगा, तो मैं आपको बताऊँ डायग्राम में आपको क्या बनाना है, ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको आपको डायग्राम में बनाना है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, आउटर मेंटल, ठीक है दोस्तों, इनर मेंटल, ठीक है दोस्तों, मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर,
और दोस्तों इनर कोर आपको ये वाला बनाना है। आप ये पहले बनाइए, फिर मैं आपको दोस्तों उस वाले फॉर्म में ले जाता हूँ उसको समझाने के लिए दोस्तों कैसे हुआ है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले आप इसको बनाइए, फटाफट बनाइए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से पूरे YouTube पे आप कहीं मिलेगा नहीं, आप छान मारिएगा पूरा पढ़ के देख लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, मैंने आपको तीसरी क्लास सोची इंटरनल स्ट्रक्चर पर अर्थ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और दूसरी क्लास करा रहा हूँ, और कल एक क्लास और होगी अभी, ठीक है। तो आप सोचिए 40-40 मिनट की मैं आपको तीन क्लासेस करा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बहुत डिटेल से हर चीज़ को, और आपको लग भी नहीं रहा होगा कि आप दोस्तों बहुत कठिन है, मैं बहुत ईजी वे में आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसका डिवीज़न किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं उसको फिर से उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, फिर से मैं उसको उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ जैसा लिखा था, ठीक है। अब आपको ये सिर्फ समझना है इसको, बस आप कुछ और, ये दोस्तों जो फॉर्म होता है ये प्लास्टिक फॉर्म में होता है, यानी सेमी सॉलिड, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, और ये जो फॉर्म होता है ये थोड़ा सॉलिड क्यों होता है, सेमी सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, ना तो लिक्विड होता है, ना तो पूरी तरीके सॉलिड होता है, ना तो पूरी तरीके से सेमी सॉलिड, सॉलिड सेमी सॉलिड से थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। बट मैं इसको सॉलिड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझना है। फिर ये दोस्तों क्या होता है, ये लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब दोस्तों क्या होता है, द्रव, सॉलिड मतलब ठोस, है ना, और ये दोस्तों होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है, ये आपको समझना है, यानी अर्ध ठोस, ठोस गैस द्रव, है ना, ये अर्ध ठोस, ठोस और दोस्तों ये द्रव, ये तीन चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़, और ये क्रस्ट दोस्तों मैंने बता ही दिया कि ये सॉलिड होता है, क्योंकि ये स्थल वाला भाग होता है, दो सॉलिड होता है, हम फाड़े जो सॉलिड है ना दोस्तों, तो आपको याद रखना, ठीक। अब आप इसको समझे कैसे दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि सोर्स में दोस्तों क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर एवं डेंसिटी को हम लोग पढ़ते हैं, इनका जो भूगोल शास्त्र थे उन्होंने बताया कि दोस्तों हम इसका अध्ययन करने के लिए दोस्तों इन तीन पैरामीटर को लेकर चलते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि जब हम अर्थ, जैसे हम टेम्परेचर दोस्तों सॉरी पहले हम आपको डेंसिटी बता देते हैं, तो डेंसिटी के बारे में बता देते हैं। तो जो इतिहास, जो भूगोल शास्त्रवेत्ता थे, उन्होंने कहा दोस्तों कि जब हम अर्थ का पूरा होल दोस्तों जो उसका जो डेंसिटी निकालते हैं, तो उसकी औसत डेंसिटी दोस्तों है वो 5.5 के अराउंड होती है, ठीक है, मतलब जो हम अर्थ का औसत डेंसिटी निकालते हैं। बट अगर हम जब क्रस्ट मेंटल कोर की अलग अलग डेंसिटी निकालते हैं, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, अंतर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ये मैं कल बात कर चुका हूँ, ठीक है, और मेंटल की जो डेंसिटी होती है वो 3 से लेकर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें कोर की जो डेंसिटी होती है वो 9 से लेकर 12 तक, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये अलग अलग डेंसिटी दोस्तों क्यों है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, इन पर दोस्तों क्या होता है, ऊपर से प्रेशर पड़ता है। जब क्रस्ट ऊपर है तो दोस्तों उस पर कम प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो इसीलिए उसकी डेंसिटी दोस्तों कम होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें मेंटल की ओर जब हम जाते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, उस पर जो प्रेशर है यानी भार है, अब दोस्तों क्या है, ये वाला भार दोस्तों इसके ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके ऊपर तो कोई भार ही नहीं था, तो इसीलिए इसकी कम डेंसिटी थी। बट इसका दोस्तों क्रस्ट का दोस्तों भाग देखो, अब क्रस्ट का ये वाला भाग यानी 0 से 65 किलोमीटर तक कुछ तो भार वेट हो जाएगा ना इसका, अब ये क्या करेगा, इस वाले को इस पर भार लगाएगा, इस पे भार लगाएगा तो उस पे दबाव बढ़ेगा, तो दबाव बढ़ेगा तो दोस्तों डेंसिटी भी बढ़ेगी, है ना, दबाव बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, सॉलिड जो मेंटल है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। कैसे दोस्तों, तो इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, 3 से 5 किलोमीटर तक हो जाती है। अब देखो दोस्तों, अब इसका भार प्लस करो और इसका भार प्लस करने के बाद दोस्तों क्या करते, कोर पर दोस्तों क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, दबाव लगा रहा है। भाई हमारे ऊपर कोई 5 किलो का वेट रखेगा तो हम थोड़ा सा झुकेंगे, कोई 50 किलो का रख देगा तो हम और थोड़ा झुक देंगे, कोई 1 क्विंटल रख देगा तो पता चले हम नीचे ही गिर जाएंगे, हम दब जाएंगे उसके नीचे। तो यही हो रहा है, ऊपर पहले था तो इस पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा था, तो इसकी वजह से तो दोस्तों ये इस पर डेंसिटी थोड़ी कम थी, 2 से लेकर 8, हमने 2.8 बताई। बट इसका क्या करें, जब हम मेंटल पे जाते हैं, जब नीचे जाते हैं दोस्तों क्या होता है, इस पे दोस्तों क्या होता है, इसका भार लगना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी दोस्तों क्या होती है, बढ़ जाती है, कुछ डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, प्रेशर लगेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, 3 से 5 किलोमीटर तक हो जाता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका, ठीक है। और फिर इसमें दोस्तों अब मेंटल दोस्तों कोर को देखो, कोर की डेंसिटी मैंने कितनी, 9 से 12, क्यों, क्योंकि दोस्तों अब क्रस्ट का भार और मेंटल का भार दोनों भार लगा के दोस्तों दोनों दबाव लगा,
तो दोस्तों जाहिर है ये चीज़ दोस्तों क्या होगी, और ज़्यादा प्रेस करेगी, और ज़्यादा दोस्तों प्रेस करेगी, और प्रेस करेगी तो इसका भी दोस्तों डेंसिटी क्या होगी, इसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए इसकी डेंसिटी 9 से 12 हो गई है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, डेंसिटी क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, प्रेशर पड़ने की वजह से, प्रेशर लगने की वजह दोस्तों डेंसिटी बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर की। टेम्परेचर दोस्तों क्या होता है, अभी अब हम टेम्परेचर के थ्रू दोस्तों अब हम समझेंगे कि ये कैसे सॉलिड हुए हैं, कैसे लिक्विड हुए हैं, कैसे सेमी सॉलिड हुए हैं। दोस्तों क्या है कि जब हम अर्थ जैसे जब हम आसमान की ओर, जब हम अंतरिक्ष की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर दोस्तों क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कम होता जाता है। जैसे जैसे हम अब एग्जाम्पल जैसे क्या है, जब हम 0 डिग्री से जब हम 23.5 डिग्री जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखो सन का पाथ दोस्तों क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ की ओर होता है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे। बट मैं जैसे ही दोस्तों 60 डिग्री लेटिट्यूड को पार करता हूँ तो दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे दोस्तों ठंड होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली। जैसे दोस्तों क्या है, रसिया में देखो दोस्तों हमेशा ठंड रहती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो हाई लेटिट्यूड पर है। तो जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे दोस्तों क्या होता है दोस्तों, तो टेम्परेचर दोस्तों क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। बट जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं दोस्तों, अर्थ के अंदर जाने का मतलब जैसे कि अगर आप कभी बोरवेल खुदवाएं या कभी माइनिंग हो रही हो कहीं, वहां जाएं दोस्तों, तो आप भले ही वहां से जो अर्थ के ऊपरी सतह से भले ही आप 100 मीटर या 150 मीटर के अंदर जाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम जब अर्थ के अंदर जा रहे हैं, जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जितना हम अंदर जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इतिहासकारों ने भूगोल शास्त्रियों ने दोस्तों इसमें क्या किया है, उन्होंने बताया कि जब हम दोस्तों क्या करते हैं, जब हम सतह से दोस्तों क्या होता है, जब हम अंदर की ओर जाते हैं 100 मीटर की गहराई पर, तो दोस्तों टेम्परेचर कितना बढ़ता है, 2 से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोस्तों टेम्परेचर दोस्तों बढ़ जाता है। बट यही जब ये मीटर में था, 100 मीटर हम जब जाते हैं, जब यही दोस्तों 40 किलोमीटर तक हम जब चले जाते हैं अर्थ के 40 किलोमीटर ये मीटर से दोस्तों 40 किलोमीटर तक हम जब चले जाते हैं तो दोस्तों टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, ठीक है। और यही जब हम 100 किलोमीटर तक चले जाते हैं तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगभग दोस्तों हो जाता है ये लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोस्तों क्या होगा, इनके अंदर जो मेटल्स हैं या जो मिनरल्स हैं या जो कोई भी पदार्थ है वो पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, मुझे बताओ दोस्तों, पिघलेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, जब हम 0 से 100 मीटर तक जा रहे हैं तो दोस्तों उस पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसी वजह दोस्तों ये सॉलिड होता है, ठीक है। बट हम जब जैसे ही दोस्तों क्या करते हैं, इसके नीचे जाते हैं, यानी 100 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत नहीं, दो से है ना ज़्यादा 1100 किलोमीटर बढ़ता है, उससे दोस्तों हमें थोड़ा फर्क कम पड़ता है। बट जैसे ही दोस्तों हम 700 किलोमीटर तक जाते हैं दोस्तों, वह क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। तो उससे होता ये है दोस्तों कि ये दो वाला जो भाग है ये दोस्तों इस पर प्रेशर अभी कम पड़ रहा है, दोस्तों प्रेशर कम पड़ रहा है और टेम्परेचर अपेक्षा ज़्यादा लग रहा है, तो इसी वजह दोस्तों क्या होता है, ये सेमी सॉलिड हो जाता है। प्रेशर तो लग रहा है बट कम लग रहा है, प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा दोस्तों, ठोस करने की कोशिश करेगा, बट टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है तो उसको लिक्विड फॉर्म में करता है। तो इसीलिए दोस्तों प्रेशर और टेम्परेचर दोनों काम करते हैं, और दोस्तों प्रेशर कम है टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए ये दोस्तों सेमी सॉलिड में हो जाता है, बात समझ। और यहीं पर मैग्मा होता है। बात इसकी करते हैं ये सॉलिड ज़्यादा क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि 2700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच में टेम्परेचर दोस्तों थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहता है। क्यों? ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बढ़ता है लगभग कितना पहुँचता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों लगभग पहुँच जाता है आपके लगभग 4300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। बट इससे इस पर होता क्या है दोस्तों, इस पर दोस्तों क्या होता है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, दबाव ज़्यादा लग रहा है, दबाव ज़्यादा लगने की वजह दोस्तों और प्रेशर टेम्परेचर कम लग रहा है, तो इस वजह से दोस्तों क्या होता है, ये सॉलिड हो जाता है, ठीक है। सॉलिड पूरी तरीके सॉलिड नहीं, मैंने बताया था दोस्तों सेमी सॉलिड की स्थिति में ही रहता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रेशर ज़्यादा लगा। अब ये लिक्विड में क्यों हो जाता है भाई, यहाँ देखो, यहाँ पर दोस्तों 2900 किलोमीटर के बाद दोस्तों लगभग 5300 किलोमीटर के जब हम आसपास पहुँचते हैं ना दोस्तों, तो टेम्परेचर दोस्तों कितना पहुँच जाता है, लगभग 5100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर अपेक्षा कम हो रहा है, पड़ रहा है, तो दोस्तों ये लिक्विड फॉर्म में, और ये सॉलिड होने की व्यवस्था अब आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भूगोल शास्त्र बेचता है उन्होंने कहा है कि दोस्तों क्या होता है भाई, किसी वस्तु पर अगर हम दोस्तों देखें क्या है, दबाव लगाते जाते हैं तो दबाव लगाते जाते हैं वो प्रेस होता जाता है, प्रेस होता जाता है, दबता चला जाता है, दबता चला जाता है। बट उसकी एक सीमा ऐसी आती है कि जिसके बाद अगर हम चाहे उसको कितना भी प्रेशर लगाएं, उस पर कितना भी फोर्स लगाएं, वो उससे ज़्यादा सिंक नहीं होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं दबेगा। जैसे कि अगर रबड़ ले लें तो रबड़ को आप दबाइए
तो दबता चला जाएगा, दबता चला जाएगा, दबता, मगर एक सीमा ऐसी आएगी ना कि उसके बाद आप उस पर कितना भी फोर्स लगा लीजिए, उसके बाद वो दोस्तों नहीं दबेगा। तो वो दोस्तों सॉलिड जो अंदर जो इनर कोर होता है उसके साथ यही स्थिति होती है। वो कहते हैं इसके प्रेशर इतना ज़्यादा लग जाता है कि इसके बाद दोस्तों इस पर प्रेशर लगना बंद हो जाता है, मतलब एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो उसकी डेंसिटी है उससे ज़्यादा आप उसको नहीं घटा सकते। मगर ये सॉलिड क्यों हो जाता है तो उसके पीछे ये रीज़न बताते हैं कि यहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये सॉलिड होने का फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। तो इतनी चीज़ें आपको मैंने आज जो बताई है दोस्तों, अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे छान मारिएगा, जितना मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, आप कहीं पेड़ देके भी पढ़ेंगे ना आप इतना अच्छा समझ नहीं पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए ना मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत चीज़ें मैंने इसमें अपना खुद से एफर्ट लगाया है, हर चीज़ों को मैं खुद से करता हूँ, तो ये थोड़ा आपको मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। बस आप मेरे साथ एक काम करते रहिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए, रेगुलर देखते रहिए दोस्तों, रेगुलर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दें, बस आप इतना कर दिया करें, अपने दोस्तों को बताएं दोस्तों किस तरीके से यहाँ पढ़ाया जा रहा है, बस इतना आप अगर कर देंगे तो बस इससे ज़्यादा नहीं, इतना करेंगे तो मैं आपके लिए दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर दूँ, बार की बता रहा हूँ। मैं चाहूँ दोस्तों, मैंने देखा यूट्यूब पर 20-20 मिनट की लोग वीडियो डालते हैं, उस पर क्या होता है बहुत ज़्यादा लाइक आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे 20 मिनट में दोस्तों मैं आपको बता दूँ क्या पढ़ाए, कौन सा चैप्टर लेके कौन कितना पढ़ाना लेगा 20 मिनट में। 20 मिनट में दोस्तों अच्छे पेपर की तैयारी नहीं होती, अच्छे पेपर की तैयारी करनी तो लगभग 40 से 45 मिनट की कोई वीडियो होनी चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बनाता हूँ, तो इसलिए आप खुद सोचें ना दोस्तों, आप समझदार हैं, 20 मिनट में लोग क्या पढ़ाएंगे दोस्तों आपको, कोई एक टॉपिक 20 मिनट में कैसे ख़त्म हो सकता है मुझे आप ये बताइए पहले, अगर अच्छा कंटेंट आपको चाहिए हो तो वो 20 मिनट में कैसे खत्म होगा मुझे आप पहले ये समझाइएगा, आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानिएगा उसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों मुझे कई लोगों ने कहा कि छोटी छोटी 20-20 मिनट की वीडियो डालो लोग देखेंगे, बट मैं उस कल्चर से नहीं आया हूँ कि दोस्तों बच्चों के साथ धोखा करूँ। ठीक है, कम लोग देखें मगर जितने लोग देखें अगर उनका भला हो रहा तो मेरे मैं उनके जीवन में कुछ योगदान करने के लिए अगर यहाँ आया, अगर कुछ हो रहा है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग थोड़ा डेफिनेट सपोर्ट करें, लोगों को बताएं, लोगों को वीडियो शेयर करें, बस इतना आप करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं आज जो बताया दोस्तों वो बहुत बेनिफिशियल है, आपको इतना समझ में आ गया होगा, और अगर थोड़ा सा भी डाउट होना दोस्तों तो आप एक बार और वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा, आपको और क्लियरली समझ, क्योंकि ये दोस्तों मैंने खुद दोस्तों हर चीज़ को 6 से 7 ज्योग्राफी मैंने कम से कम 5 से 6 बार पढ़ी है दोस्तों, और मैं खुद लगभग 2 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन दोस्तों, तो लगभग मैंने इसको कम से कम 8 से 10 बार खुद से पढ़ डाला है, 3 से 4 बार 5 बार लगभग पढ़ा डाला है, तो आप खुद सोचिए कि मुझे इतना करने के लिए मैं कम से कम 10-12 बार मैं खुद से पढ़ चुका हूँ, यानी मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, तब मुझे इस तरीके से आता है। तो आपको 1-2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों, आप तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और हाँ वीडियो को जरूर शेयर जरूर करें, शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, लोगों को बताएं, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में जितने भी जो पढ़ने वाले हैं उनको बताएं दोस्तों। ठीक है, जितने ग्रुप हैं फ़ोन में आपके वहाँ शेयर कर दें, टेलीग्राम पर जो भी हैं वहाँ पे आप शेयर करते ना वीडियो को, ताकि और लोगों वहाँ से जुड़ें। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर आपसे कल मिलूँगा, अब तीसरी क्लास हम लोग की कल होगी, और फिर ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय, जय हिंद दोस्तों।